ठीक डेम्ड यानी फिर से लिख देता हूं इट इज रेजिस्टिव रेजिस्टिव फोर्स जब लगता रहेगा एट दैट टाइम धीरे धीरे एम्पलीट्यूड डिक्रीज होता जाता है ठीक है इन केस ऑफ डेम्ड ऑसिलेशन एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड डिक्रीज़ विथ टाइम ये डेम्ड फोर्सेस कौन कौन से होते हैं जैसे मान लो एक सिंपल पेंडुलम ऑसिलेट हो रहा हो

ओके okay. अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा देखो अभी हमारे पास टाइम बहुत कम बचा है इसलिए मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा ज्यादा फोकस करूंगा डेम्ड ऑसिलेशन में क्वेश्चन ये आएगा क्वेश्चन ऐसा होगा डिराइव डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डेम्ड ऑसिलेशन ठीक है डेम्ड ऑसिलेशन का डिफरेंशियल इक्वेशन डिराइव करने का क्वेश्चन आ सकता है तो क्वेश्चन में क्या लिखेंगे सबसे पहले इन केस ऑफ डेम्डेशन पहले वो इंट्रोडक्शन दे ऑसिलेशन क्या होते uh, of, इसमें होगा ऑसिलेशन लास्ट में स्टॉप हो जाएंगे ठीक तो है तीन पॉइंट तो आपको लिखना ही है उसके अलावा फोर्सेस कौन कौन से लगते फोर्सेस एक्टिंग ऑन एसएचओ इन केस ऑफ डेम्ड ऑसिलेशन डेम्ड ऑसिलेशन हो रहे तो कौन कौन से फोर्स लगते हैं नंबर वन एफ इज इक्वल टू माइनस के ऑसिलेशन हो रहा हो ये वाला फोर्स हमेशा लगता ही है इसे बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स दिस इज कॉल्ड रिस्टोरिंग फोर्स दूसरा फोर्स लगता है F इज इक्वल टू माइनस बी वी इसे बोलते हैं डेम्ब फोर्स के दोनों फोर्स हमेशा लगते रहते हैं देर फॉर टोटल फोर्स कितना हो जाएगा यानी टोटल फोर्स विल बीस एफ इज इक्वल टू माइनस के वाइफ इज इक्वल टू माइनस बी दो टाइप के फोर्स लगेंगे तो टोटल फोर्स कितना हो जाएगा टोटल फोर्स विल बी एफ़ इज इक्वल टू माइनस के वाई माइनस बी वी ठीक है ऐसे फोर्स लगेगा तो एफ़ तो मा होती है बट वी कैन राइट एफ इज इक्वल टू मा देर फॉर माँ इज इक्वल टू माइनस के वाई माइनस बी वी तो यहाँ पे दो चीज़ें देखो माँ भी है बीवी भी, भी, भी है बीवी कैसी है नेगेटिव बीवी को माँ के पास ले जाओ तो वो पॉजिटिव हो जाएगी इस तरह से याद रखना तो माँ प्लस बी प्लस के वाई इज इक्वल टू ज़ीरो फॉर ए प्लस बी बाई एम वी प्लस के बाई एम वाई इज इक्वल टू ज़ीरो एक्सेलेशन होता है डी स्क्वायेर वाई बाय डी टी स्क्वायेर प्लस बी बाई एम वैलोसिटी होती है डी वाई बाय डी टी प्लस के बाई एम वाई इज इक्वल टू ज़ीरो इस इक्वेशन को बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डेम्ड डोसिलेशन तो अगर क्वेश्चन आ जाता है डिराइव डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑसिलेशन, आपको पहले वो इंट्रोडक्शन दे देना है क्या होता है डेम्ड डॉसिलेशन और उसके बाद यहां तक आपको लिखना है है कोई डाउट इसमें दूसरा क्वेश्चन ऐसा आ सकता है राइट डिफरेंशियल इक्वेशन of डेम्ब oscillation and its solution ठीक है डिफरेंशियल इक्वेशन सॉरी डेम्ड ऑसिलेशन का डिफरेंशियल इक्वेशन का डायरेक्ट uh, इक्वेशन लिखो डिफरेंशियल इक्वेशन और उसके बाद उसका सॉल्यूशन भी लिखो ठीक है ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है तो इसका आंसर ये होगा सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन आए तो ये तीन लाइन चिपकाई देनी है कौन कौन सी ऑसिलेशन ऑफ आर ऑसिलेशन इन केस ऑफ ऑसिलेशन डिक्रीजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड फाइनली ऑसिलेशन स्टॉप उसके बाद ये लिखना है आगे दैट डिफरेंशियल इक्वेशन राइट लिखना है लिखा हुआ डिराइव नहीं बोला हुआ ठीक है लिखना है सिर्फ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डेम्ड ऑसिलेशन क्या है स्क्वायर वाई से डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वल इसका सॉल्यूशन क्या है तो सॉल्यूशन है वाई एट टाइम टी इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड एट एनी टाइम टी रेस टू माइनस बी टी बाई टू एम साइन ऑफ हमारी बुक में हमारी बुक में इसका डेरिवेशन नहीं और आपको डेरिवेशन करना भी नहीं डायरेक्टली ये याद रखना है इसलिए ये इक्वेशन जब भी आएगा उसमें वो लोग बोलेंगे राइट right, ठीक है डिराइव कभी नहीं बोलेंगे सो so, इसके सॉल्यूशन ये है डिसमेंट एट एनी टाइम टी इज इक्वल टू एमप्लीट एनी टाइम टी रेस टू माइनस बी टी बाई टू एम ऐसा where, where hoga. Hoga A. A, ही होगा कुछ दिस इज एस टू माइनस बीटी बाई टू एम एम्पलीटूड एट एनी टाइम टी विल बी एस टू माइनस बी टी बाई टू एम या देखना साइन का जो कोई होता है देखो ये रहा साइन साइन का कोई है ये साइन का जो भी कोई होता है वो होता है हमेशा एम्पलीट्यूड इसलिए यहाँ पे एम्पलीट्यूड होगा ए ई रेस टू माइनस बी टी बाय टू एम एंड ओमेगा डैश की वैल्यू रूट ऑफ के बाय एम माइनस बी बाय टू एम का स्क्वायर ठीक है दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन So, अगर आपको सॉल्यूशन के बारे में पूछे तो आपको इतना ही लिखना है कुछ भी डिराइव नहीं करना है ओके सो डेरिवेशन डेरिवेशन पूछे तक लिखो derivation में राइट डिफरेंशियल इक्वेशन एंड उसका सॉल्यूशन तो आपको यहां तक लिखना है ओके okay? सो so, ये तीन जो है ये आपको याद रखना ही पड़ेंगे इसका सॉल्यूशन इसके जैसा एक सॉल्यूशन आएगा नेक्स्ट ईयर ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में एसी सर्किट्स में ठीक है वो इसके जैसा होगा यही नहीं होगा नेक्स्ट क्वेश्चन डेमडोसिलेशन पर यही होता है एक्सप्लेन डेमडोसिलेशन विद द ग्राफ Y Y and and E, sorry y and A versus T, ठीक है डेम्ड डोसलेशन को एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ ग्राफ डेम्ड डेमडोसलेशन का तीसरा क्वेश्चन ये वाला है ग्राफ से एक्सप्लेन करना है तो ये क्वेश्चन आएगा तो वापस क्या करना है वंस अगेन जो बोला था भाई ये रहा

लाइक दिस इसमें भरा हुआ है पानी अब जब ये ऑसिलेट होगा एट दैट टाइम ये जो भी ऑसिलेशन्स होंगे दीस आर कॉल्ड डैम्प्ड ऑसिलेशन्स और डैम्प्ड ऑसिलेशन में देखो वाई और ए दोनों का ग्राफ ड्रा करना है वर्सेस टी तो आपको दोनों के इक्वेशंस लिखने पड़ेंगे दोनों के इक्वेशंस क्या है y एट एनी टाइम t इज इक्वल टू ae रे टू माइनस bt बाय 2m sin ऑफ ओमेगा डश t प्लस फाइव और दूसरा इक्वेशन लिखना पड़ेगा एम्पलीट्यूड एट एनी टाइम टी इज इक्वल टू ए रेस टू माइनस बी टी बाई टू एम ये दो इक्वेशन लिखो और इसका ग्राफ ड्रॉ करो ग्राफ ऐसा होगा यहां पे ड्रॉ करना है वाई एक्सिस दिस इज एक्स एक्सिस इसका ग्राफ ऐसा होगा जो साइन दिख रहा है पहले साइन वाले का ग्राफ ड्रॉ करता हूं तो इस तरह से ग्राफ आगे जाएगा ओके इफ यू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ वाला ग्राफ ऐसा होगा ठीक है तो ब्लू कलर वाला जो होगा इट इज ए रेस टू माइनस बी टी बाई टू एम ग्राफ अच्छे से बनाना एग्जाम में और इतना अच्छे से बनाना कि सो दैट आपको ग्राफ देख के मार्क्स दे दें बाकी सब कुछ देखने की जरूरत ना पड़े और ये जो रेड कलर वाला दिख रहा है वहां पे भी इक्वेशन लिख दो ग्राफ के अंदर ही वाई टी इज इक्वल टू ए रेस टू माइनस बी टी बाई टू एम साइन ऑफ ओमेगा डैश टी प्लस फाइव आधा पेज भर के डायग्राम ड्रॉ कर दो और ये सारी चीजें लिख दो तो थियोरी कोई ज्यादा नहीं पड़ेगा यहाँ पे y a और यहाँ पे लिख देना t ओके सो so, डेम्ड ऑसिलेशन को एक्सप्लेन करना हो तो वो तीन लाइन जो मैंने बताई थी वो लिखो और ये ग्राफ ड्रॉ कर दो इस इक्वेशन के साथ और हाँ इसमें लिखना पड़ेगा ये इक्वेशन किसका है